नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं गीता कॉलोनी सात ब्लॉक के अंदर, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कमलजीत कौर, हम उससे सीधा रूबरू होंगे, उससे सीधा सवाल करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है केमास न्यूज चैनल में। धन्यवाद। आज हम आपके बीच में, हम जानते हैं आपके मुद्दे क्या है जनता के लिए। हमारे साफ सफाई को लेकर मुद्दे हैं, सड़कें, पार्क, अपनी गलियां और जो है गंदगी के कूड़े ढेर लगे हुए हैं वो बिल्कुल साफ करना है। इस बार एमसीडी में खेतीबाड़ी को लेके आना है। जनता आपको किस तरीके से बहुत प्यार से और बहुत सबका सहयोग मिल रहा है, इस बार विपक्ष पर बहुत सारे आरोप हैं, तो उसके लेकर के आपको लगता है कि चुनाव में उनका कुछ आपके ऊपर असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ है। और अब की तो एमसीडी में केजरीवाल जी ही आएंगे, सबका ऐसे ही रह जाएगा, सबका सहयोग मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, इस बार तो जीतेंगे। ऐसे कौन से खास मुद्दे हैं चुनावी जिनको आप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि जनता आपको वोट देगी? साफ सफाई को लेकर मेन मुद्दा तो यही है हमारा, जो साफ सफाई है, कूड़े के ढेर हैं, नालियां हैं, ये सब साफ सफाई हमने करवानी है। पार्क को मेन क्लीन करवाना है, बिल्कुल ग्रीन जोन बनाना है। तो ये थी कमलजीत कौर आपके सामने, जो अपने जीत का दावा कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच।